ठीक है, तो आज जो है स्टिकी पोजीशन के बारे में देख लेते हैं। इससे पहले आपने पोजीशन फिक्स्ड के बारे में देख लिया था, एब्सोल्यूट पोजीशन भी आप जानते हो, है ना, और पोजीशन जो है रिलेटिव भी आप कर सकते हो। तो अब यहाँ पर जैसे एक है पोजीशन, पोजीशन स्टिकी, ठीक है। स्टिकी का मतलब क्या होता है? स्टिक मतलब चिपकना, ठीक है, जो चिपका रहे एक जगह पे। तो ये स्टिकी कहाँ पर काम में आता है ये देखें क्या? इसका एग्जांपल जो है भाई, जैसे फ्लिपकार्ट का वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ये क्या चीज है फ्लिपकार्ट? ठीक है, जैसे कोई प्रोडक्ट है मेरे पास में, ये वाला प्रोडक्ट हो गया, इस पे क्लिक कर लेता हूँ और फाइनली आपको ये प्रोडक्ट दिख रहा है। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट दो सेक्शन बने। तो लेफ्ट में तो ये इतना इतना पोर्शन मैं लेफ्ट में मान रहा हूँ, ठीक है, और ये जो राइट में इतना इतना कंटेंट है। अब थोड़ा सा जैसे स्क्रॉल करते हैं तो विशेष ध्यान देना, देखो स्क्रॉल जब करते हैं तो ये चीज़ यहाँ पे फिक्स हो जाती है, ठीक है, चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है। ठीक है, तो ये जो स्टिक हो रही है ना, ये देखना ये कब तक स्टिक रहते हैं यहाँ पे। अब देखो ये ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये जो चीज है ना ये स्टिकी है। हाँ, ये जो फीचर है ना इसको स्टिकी बोलते हैं। कि ये देखो थोड़ी देर के लिए तो स्टिक रहेगा यहाँ पे, और उसके बाद में जो है वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा और अपने पेरेंट के साथ में वापस चला जाता है ऊपर, ठीक है। तो ये सेम चीज़ आपको करनी है यहाँ पे। कैसे करेंगे? जैसे डिव डॉट एक कंटेनर मैंने ले लिया, कंटेनर के अंदर दो सेक्शन है, एक तो लेफ्ट सेक्शन, लेफ्ट सेक्शन ये लेफ्ट है और ये राइट सेक्शन, सही बात है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट सेक्शन। अब लेफ्ट सेक्शन के अंदर मैं कंटेंट दे सकता हूँ, राइट के अंदर कंटेंट दे सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं एक इमेज देता हूँ, ये इमेज इमेज दे देता हूँ, यहाँ पे ये फोटो दे देता है राइट क्लिक करके, होता है क्या कुछ ये नहीं आएगा, ये ले राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, ये फोटो है। और यहाँ पे जैसे कुछ कंटेंट है जैसे कि H1 डिस्क्रिप्शन और ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके जो फीचर्स है उसके बारे में दिया हुआ है। अब ये दोनों भाई, इन दोनों को पोजिशन तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है, यहाँ पे आता हूँ मैं, जैसे बोलता हूँ कंटेनर के अंदर, तो सबसे पहले कंटेनर जो है उसको एक बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर का मैंने बॉर्डर दे दिया, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट सेक्शन है इसको भी दे देंगे एक बॉर्डर या बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड RGBA और 0255 0, हल्का सा कलर ग्रीन वाला दे दिया, ठीक है। और जो राइट सेक्शन है उसको भी दे देते हैं राइट सेक्शन और बैकग्राउंड RGBA और थोड़ा सा जैसे ऑरेंज टाइप दे देंगे, सही है, ठीक है। अब मैं इसको कंटेनर को बोल देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। अब ये आपको पता है, देखो इसका कंटेनर और इसका कंटेनर दोनों को हाइट, भाई इसका हाइट जो है इतना तो भाई कम से कम था, इसलिए ये भाई इतना हो गया, और ये कंटेंट जो है अब इसका हाइट भी सेम हो गया पेरेंट के बराबर, ठीक है, दोनों के हाइट अपने पेरेंट को मैच कर रहे हैं। चलो अब मैं यहाँ पर करता हूँ, जैसे इसके अंदर खूब सारा कंटेंट है, डिस्क्रिप्शन के अंदर खूब सारा कंटेंट है, जैसे यहाँ पर आते हैं काफ़ी सारे पैराग्राफ बना लेता हूँ, पैराग्राफ इंटू 10 और हर पैराग्राफ के अंदर लोरम है, ये लो, सही बात है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो ये इतना सारा कंटेंट है। अब इसके अंदर जो इमेज है ना, मैं इसको स्टिक करना चाह रहा हूँ, स्टिक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पर स्टिक करूँ? तो मैं ऐसे बोल देता हूँ लेफ्ट सेक्शन के अंदर जो इमेज है उसका पोजीशन स्टिकी, सही है, स्टिकी है,
अभी स्टिकी है तो भाई अब इसका क्या मतलब है, देखिए क्या ये करता हूँ, कोई फर्क तो पड़ा नहीं अभी तक। अब इसको ये और बताना पड़ेगा कहाँ पर स्टिक करना है, ठीक है। तो मैं जैसे बोल देता हूँ टॉप से 20 पिक्सल की दूरी पर आपको स्टिक कर देना है इसको, ठीक है। अब आप देखो जैसे मैं इसको यहाँ से कितना थोड़ा 10 कर लेता हूँ इसको, ये लो 10, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, अब आप देख रहे हो इमेज वहीं पे स्टिक है, सही है, ठीक है। और ये कब तक स्टिक रहेगी यहाँ पर, तो इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट कौन है, लेफ्ट सेक्शन है। जब तक लेफ्ट सेक्शन पूरा नहीं होता, देखो नीचे तक तो लगा ही नहीं अभी तक भी, पूरा नहीं होता तब तक ये यहाँ पर स्टिक रहेगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पर मैं एक बार इसको यहाँ पर जैसे कंटेनर है ना, कंटेनर के बाद में बना देता हूँ कंटेनर 2 बना दिया, और इसके अंदर जैसे एक पैराग्राफ दे दिया, दिस इज आवर कंटेनर 2, और एक पैराग्राफ दे दिया या ज़्यादा दे दिए पैराग्राफ, क्या फर्क पड़ता है, पैराग्राफ इनटू 5 लोरम, ठीक है। अब आप देखो तो यहाँ पर देखो खूब सारा कंटेंट है, और नीचे आप देख रहे हो दिस इज आवर कंटेनर 2, ये कंटेंट भी आ रहा है। तो विशेष ध्यान देना, ये जब कंटेनर ग्रीन वाला खत्म होगा इसके साथ में ये जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसका चाइल्ड है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ऊपर करूंगा, ये देख लो सही है क्या, ऐसा किया जा सकता है ना। तो ये वाली चीज है, पोजिशन फिक्स कर दें तो फिक्स ही हो जाएगा। ये देख लो पोजिशन फिक्स अगर करना है तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, कहाँ गया ये पोजिशन फिक्स्ड, ठीक है। और अब आपने इसको फिक्स कर दिया तो फिक्स हो गया, तो सबसे पहले पेरेंट को पता नहीं कहाँ गया, ठीक है। और अब जो है ये इसके ऊपर जरूर आ रहा है, ये स्क्रीन पे फिक्स हो गया, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। तो अब किसी चीज को अगर आप देख रहे हो कि वो अपने पेरेंट के अंदर रह रहा है, और जब तक पेरेंट नहीं जा रहा था तब वो स्टिक है अपनी पोजिशन पे, तो वो कौन सा पोजिशन है, स्टिक ही वाला पोजिशन है, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। और लेफ्ट सेक्शन रिलेटिव वगैरह का इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ये जो स्टिकी होता है ये किसके हिसाब से स्टिक हो रहा है, किसके हिसाब से स्टिक हो रहा है, क्रीन जो है उसके हिसाब से ही स्टिक होगा, ठीक है। और जो पोजिशन एब्सोल्यूट होता है वो अपने पेरेंट के हिसाब से भी हो सकता है, वो अपना उसके हिसाब से बॉडी के हिसाब से भी हो सकता है, और पोजिशन फिक्स जो जो किसके हिसाब से होता है, वो ना बॉडी के हिसाब से होता है ना पेरेंट के हिसाब से होता है, वो स्क्रीन के हिसाब से होता है, व्यू पोर्ट जो आपको दिख रहा है, ठीक है, व्यू पोर्ट के हिसाब से। तो मैंने व्यू जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पे फिक्स करना है तो इसको नीचे कर दो, बॉटम कर दो। अगर मैं पोजिशन फिक्स्ड बोलता हूँ तो व्यू पोर्ट जितना है कितना कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है उसके अंदर आप उसको कहीं भी फिक्स कर सकते हो और वो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो एक तो है अपने पेरेंट या बॉडी के रिलेटिवली है ना पोजिशन हो रहा है, वो है एब्सोल्यूट। एक है जैसे भाई जो स्क्रीन के हिसाब से आपका पोजिशन हो रहा है, और एक है जो अपने कंटेनर के हिसाब से फिक्स हो जाता है, मतलब ये दोनों का हाइब्रिड है, ये फिक्स भी हो जाता है लेकिन कब तक, जब तक इसका पेरेंट नहीं जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पोर्शन जो है ये स्टिकी है। तो सेव करते हैं इसको, और अभी जो उसमें आप कर रहे थे जैसे गुरु कृपा का वेबसाइट आप देख रहे थे उसमें जो हो रहा था वो भी कर सकते हैं क्या इससे, देखते हैं। तो डू डॉट इमेज कंटेनर और इसके अंदर कुछ इमेजेस हैं, तो डू डॉट या इमेज कर देता हूँ सिंपली, ये इमेज इनटू 4 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अनस्प्लैश.कॉम पे चलेंगे, ये फोटोज ले लेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस
पेस्ट एड्रेस, पेस्ट इमेज एड्रेस, पेस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है, आपकी इमेज जो है वो एकदम सेम हाइट एंड सेम विड्थ की होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये इमेज इमेज कंटेनर जो है उसको लेता हूँ, इमेज कंटेनर, और उसके अंदर जो इमेज, पहले तो जैसे इमेज कंटेनर को एक बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, चलो ब्लैक। अब यहाँ पर आता हूँ, मैं बोल देता हूँ इमेज कंटेनर के अंदर जो भी इमेजेज हैं उनकी विड्थ अपने पेरेंट की 100% है। तो ये पहला काम अपन को करना चाहिए, सही है क्या ऐसा? ठीक है, और हाइट वाइट जो आप फिक्स करना चाहो तो फिक्स कर सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं जैसे बोलता हूँ कि इमेज कंटेनर के अंदर जो भी इमेज है वो फिक्स है। ठीक है, तो पोजीशन नहीं फिक्स नहीं, स्टिकी है, पोजीशन स्टिकी। ठीक है, और कहाँ पे पोजीशन जैसे स्टिक हो जाना चाहिए, जैसे बोल देता हूँ 10 पिक्सल पे ये हो जाना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, स्टिक हो जाना चाहिए, तो देखते हैं ये स्टिक हो रही है, और ये अपना स्टिक सेकंड वाला। ठीक है, ये स्टिक होगी, थर्ड वाली इसके ऊपर आ गई और फोर्थ वाली इसके ऊपर आ गई, और फिर अपने पेरेंट के साथ में वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं जैसे इमेज कंटेनर वन है और इसी में से जैसे 4 फोटो निकाल के इसको बोल देता हूँ ये भी आपका इमेज कंटेनर है। ठीक है, 2 इमेज कंटेनर हो गए। तो अब आप देखो इसको ऐसा जब करता हूँ तो ये सेकंड वाला है, ये पहले देखो ये फिक्स हो गया क्या, पेरेंट इसके ऊपर चला गया, देखो धीरे धीरे पेरेंट ऊपर जा रहा है, दिख रहा है क्या? ठीक है, 10 पिक्सल पर फिक्स हो गया, लेकिन पेरेंट है ना ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो पेरेंट तो जा रहा है लेकिन ये फिक्स हो गया। अब ये जो है पेरेंट के अंदर एक और आइटम है तो वो तो आएगा ही, है ना, और ये भी कहाँ पर जाकर फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आएगा, फिर ये भी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, फिर ये आएगा, ये भी यहाँ पे फिक्स हो गया, लेकिन अपने पेरेंट के साथ में जाएगा, सही है क्या, है ना। लेकिन अब एक और आ रहा है, ये देखो ये यहाँ पे जाके फिक्स हो गया, ये यहाँ पे जाके फिक्स हो गया, ये यहाँ पे जाके फिक्स हो गया, यहाँ पे जाके फिक्स हो गया। ये चीज समझ में आ रही? तो इतना ही है, तो ये आपका पोजीशन स्टिकी का एग्जांपल हो गया। ऐसा जैसे ग्रेडियंट्स के बारे में देख लेते हैं, ग्रेडियंट्स इन CSS, है ना। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे यहां पर मैं एक बार ग्रेडियंट दिखा देता हूँ, ग्रेडियंट ये चीज जो है इसको आप ग्रेडियंट बोलते हैं, और कई तरीकों से अचीव किया जा सकता है, कोई एक तरीका है नहीं, है ना, लेकिन एक जो सिंपलेस्ट तरीका है वो आपको बताए हुए। तो ये है क्या है, ग्रेडियंट है क्या, है ना, ये वाला ग्रेडियंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ग्रेडियंट का मतलब भाई जहाँ पर जो 2 कलर आपस में मिक्स हो रहे हैं वो आपको एजेस का पता नहीं लग रहा है, लग रहा है क्या? ये कलर और ये कलर कब आपस में मिले आपको, कहीं पे कोई शार्प एज है क्या? ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको आप ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर 2 कलर आपस में मिक्स होते हैं लेकिन एक कोई क्लियर एज नहीं है। तो यहाँ पर ये जैसे भाई आप करना चाहो तो भाई कैसे भी अचीव कर सकते हो, जैसे मैं बोल देता हूँ सर एक ऐसा बनाएंगे डिव डॉट कंटेनर, और उसके अंदर उसको हाइट दे देते हैं, विड्थ दे देंगे, तो डिव डॉट ये जो कंटेनर है कंटेनर, ठीक है, उसकी विड्थ तो 100% है ही, हाइट जो है वो 400 पिक्सल कर दिया, बैकग्राउंड जो है वो 0 ब्लैक कलर कर दिया, बैकग्राउंड कंटेनर। ठीक है,
इस पोर्शन में अपन को बनाना है। जैसे अब एनिमेशन थोड़ा सा आपने देख लिया था, एनिमेशन देख लिया था, एनिमेट भी किया जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पर डी डॉट मैं लेता हूँ बॉल, दो बॉल में लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक बॉल ग्रीन एक बॉल रेड की, है ना। तो मैं इसको बोल देता हूँ ये बॉल है रेड, ठीक है, और ये है ग्रीन, राइट। तो जो दो बॉल है उनको बैकग्राउंड एक बार देता हूँ, बैकग्राउंड एक बार ग्रे दे दिया, विड्थ दे दिया उनको 400 पिक्सल, 400 तो ज़्यादा हो जाएगा, 150 पिक्सल हाइट, 150 पिक्सल, ठीक है। और ये ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पोजिशन एब्सोल्यूट किया जा सकता है इसको। अब मैं दोनों को कलर भी कर देता हूँ। तो मैं जैसे बोलता हूँ ये जो है रेड जो है उसका बैकग्राउंड रेड होगा, ठीक है, और जो ग्रीन है उसका बैकग्राउंड 0f0 ग्रीन है, 0f0, ठीक है, ग्रीन है। बॉर्डर रेडियस दिया जा सकता है दोनों को, तो यहीं पे दे देंगे। बॉल को मैं बोल देता हूँ बॉर्डर रेडियस 50%, सही है, ठीक है। पोजिशन एब्सोल्यूट किया जा सकता है, पोजिशन एब्सोल्यूट, ठीक है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं जैसे इसको एनिमेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं एनिमेशन जो है मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, की फ्रेम्स, ठीक है, और मैं बोल देता हूँ रेड बॉल एनिमेशन, ठीक है, रेड बॉल एनिमेशन, एनिमेशन, ठीक है, और 0% पे तो ऐसा हो और 100% पे ऐसा, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको पहले जैसे ऊपर से नीचे लेके आना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ इसका जो मैंने क्या बोला है, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, और ये किसके हिसाब से है, तो इसका पोजीशन मैं कर दूंगा रिलेटिव। तो ये जो है एब्सोल्यूट कंटेनर के हिसाब से, ठीक है, चलो। अब मैं बोलूँगा जैसे ये टॉप से 0, देखो एक चीज़ ध्यान देना, ये नीचे कब आ जाएगी, प्रॉपर नीचे कब आएगी, टॉप कितना दूँ तब आएगी, ये मुझे बताना। तो यहाँ पर जैसे कंटेनर है, इसका हाइट है 400 पिक्सल और इसका बॉल का हाइट है 100 150 पिक्सल, तो कितना ऊपर से टॉप दो कि ये नीचे लग जाए, यहाँ पर आ जाए बॉल 250, ठीक है। तो मैं इसको कर दूंगा टॉप जो है आप 250 पिक्सल दे देना, राइट। ये एनिमेशन हो गया, करके देखे क्या, ये इस पे लगा लगा देते हैं ना, रेड बॉल एनिमेशन, ये रेड वाले बॉल पे लगा देंगे। तो मैं बोल दूंगा एनिमेशन, और यहाँ पर जैसे इस तरीके से रेड बॉल एनिमेशन कितने सेकंड में, 1 सेकंड में होना चाहिए और इनफाइनाइट टाइम तक ये चलना चाहिए, सही है। तो चल रहा है, ठीक है। क्या किया जा सकता है इसको, मैं बोलूँगा यहाँ पर जो है ये तो 50% पे हो जाना चाहिए और वापस से 100% पे कहाँ पे चला जाना चाहिए, 0 पे, तो है ना। तो मैं इस तरीके से कर लूँगा, तो ये लो 100% पे टॉप कितना हो जाए, वापस से 0% हो जाए, सही है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। मैं इसको जैसे यहाँ से यहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ, फिर मैं इसको यहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ, और फिर मैं इसको यहाँ लेके आना चाह रहा हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 मेरे को चाहिए स्टेप्स, तो मैं कर देता हूँ 25% पे, ये इतना रहे, टॉप इसका 250 पिक्सल रहे, और लेफ्ट से इसको बोल देता हूँ लेफ्ट जो है वो 150 पिक्सल हो जाए, ठीक है। देखें ठीक है, इसका लेफ्ट 0 कर देते हैं, लेफ्ट 0 पिक्सल, है ना, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर 0 पिक्सल, ठीक है, और
लेफ्ट कर देते हैं 200 पिक्सल, देखिएगा ठीक है ऐसा 200 से थोड़ा 300 ही कर देंगे, 300 पिक्सल ठीक है। और इसको कर देता हूँ 50% पे, फिर 75% पे कर देंगे उसको वापस से, तो जो इतना लेफ्ट जो है 450 पिक्सल, और 100% पे इसको कर देंगे वापस से ऐसा। ठीक है, इस तरीके से किया जा सकता है, और इसी तरीके से इसको भी कर सकता हूँ क्या? ठीक है, इसको भी कर सकता हूँ। तो एक जो है, जैसे मैं यही एनिमेशन इस पे लगा दूँ, सही है, ग्रीन पे, और ग्रीन भी इसके साथ में जाएगा, पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, एनिमेशन डायरेक्शन रिवर्स, सही है, ठीक है, ये एनिमेशन डायरेक्शन रिवर्स हो गया। रिवर्स का मतलब ये जो 100% है ना, अब ये 0 की तरह काम करेगा, मतलब उल्टा काम करेगा ये, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पर मैं इसका चेंज कर सकता हूँ टाइम, ठीक है, थोड़ा सा जैसे इसका ये बढ़ा ही लेते हैं, 300 400 600 600 है ये, 600 लग रहा है ये, अब स्लो करना है। ठीक है, तो मैं 10 कर दूं, है ना, स्लो तो 10 कर दिया, इसको 10 कर दिया, ठीक है। ठीक है, क्या कर सकता हूँ मैं, इसको ब्लर कर सकता हूँ, ठीक है, तो या तो मैं इसको ब्लर कर दूं, या फिर एक लेयर ले लूं मैं, ठीक है, मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं एक लेयर ले लेता हूँ, डिव डॉट ओवरले, सही बात है क्या? ये ओवरले जो है, ये वाला चीज यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये है ओवरले, ओवरले की विड्थ जो है ये 100 पिक्सल एक बार के लिए, है ना, बढ़ाऊंगा इसको मैं अभी, और इसको भी 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड जो है ब्लू है, ठीक है, सेव कर लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको देखो भाई, ओवरले है, इसको मैं बोलूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, किसके हिसाब से है, ये कंटेनर के हिसाब से, इसको मैं विड्थ देता हूँ, मैं बोलता हूँ विड्थ इसका 100% है, तो ये पूरा कवर करेगा 100%, ये लो, ठीक है, और मैं हाइट भी बोल देता हूँ 100%, 100% ये भी पूरा कवर करेगा, सही है क्या? इस तरीके से मैं इसको बोल देता हूँ ये ब्लू नहीं है, इसको मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट देता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ ये है 0.00 और 0.5, ठीक है, तो ये हल्का सा ओवरले आ गया ना, इन दोनों के ऊपर आ गया, कुल मिला के थोड़ा सा रेड करके दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा है, 255, ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर का ओवरले पूरा स्क्रीन पे आ गया, राइट, ठीक है। अगर मैं इसके ट्रांसपेरेंसी को 0 कर दूँ, मतलब ये ओपेसिटी को 0 कर दूँ, तो ये दिखेगा थोड़ी, यही दिखेगा अभी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इस ओवरले के ऊपर मैं बोल दूंगा, अब इसके पीछे जितनी भी लेयर है ना, सब ब्लर हो जाए, तो कौन सा फिल्टर है, बैकड्रॉप फिल्टर है, ठीक है, तो बैक ड्रॉप फिल्टर मैं अप्लाई कर दूंगा, और ये खुद के अलावा सारी पिछली पे अप्लाई होगा, तो मैं बोल देता हूँ ब्लर कर दो, ठीक है, तो मैं जैसे 5 पिक्सल का ब्लर करता हूँ, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट ब्लर होगा, सही है क्या? ठीक है, चलो 10 कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, अपन 15 कर देता हूँ, ये लो ज़्यादा ब्लर लो ना, मजा करो, सही है, ठीक है, ये लो 50 पिक्सल का ब्लर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर ये लो 100 पिक्सल का कर दिया, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ये बन गया आपका ग्रेडियंट। एनिमेशन भी है इसके अंदर, कलर चेंज करना चाह रहे हो तो कलर चेंज कर दो, ये लो 0% के ऊपर बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाए, बैकग्राउंड डीप पिंक हो जाए, ठीक है, इस तरीके से अब कलर भी चेंज होगा। सही है क्या? ठीक है, अब इसके अंदर मैं कंटेंट डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे ओवरले है इसके अंदर कुछ भी लिखा जा सकता है, पैराग्राफ लिख लूँगा, जैसे H1 दे दिया मैंने, और H1 जैसे इंट्रो कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और मैं इसको एक पैराग्राफ दे देता हूँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल कलर कर दो। अब जो ओवरले है, एनिमेशन को रोको, ये रोक दिया, अब मैं जैसे इसको कलर कर लेता हूँ, ओवरले को कलर वाइट कर लिया, ये वाइट हो गया, आप पैडिंग दे दो, मजा आ जाएगा इसमें, 20 पिक्सल का पैडिंग दे दिया, पैडिंग दे दिया, लेकिन ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ रहा है, इसका क्या इलाज हो? बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, और ये वापस से अपनी जगह पे स्टेबल हो गया, ठीक है, फॉन्ट फैमिली, फैमिली एरियल, इस तरीके से किया जा सकता है, अब आपकी मर्जी है। तो अब इस पर दोबारा से एनिमेशन लगा दूँ, ये एनिमेशन लगा दिया, ठीक है, और आप चाहो तो अब ये जो, अगर देखो ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा ऐसे आपको कलरफुल लग रहा है ना, तो आप इसको चेंज कर दो ना, यहाँ से आपने जो ओपेसिटी दे रखी है ओवरले की, ठीक है, उसको चेंज कर दो, आप इसमें बोल दो कि इसमें 0.5 है, तो ये ब्लू कलर आपको दिखेगा, ब्लू कलर का ओवरले दिखेगा यहाँ पे, ये ब्लू कलर का ओवरले दिख रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अगर इसको 0 कर दूँ, ये ब्लैक कलर का ओवरले दिखेगा, और बहुत ही हल्का सा आपको ये जैसे ग्रेडियंट दिख रहा होगा, आ रहा समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से बनाया जा सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे भाई यहाँ पर एक फॉर्म बन जाएगा, लॉग इन फॉर्म, ठीक है, और लॉग इन फॉर्म पर जब तक कोई लॉग इन करने के लिए आया तब उसको कलरफुल ऐसे चलते हुए दिखाई दे रहे, अच्छा लगेगा उसको, ये किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट भी, ग्रेडियंट इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हो, ये एनिमेटेड ग्रेडियंट है ना, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। एक्चुअल में ग्रेडियंट जिस चीज़ को बोला जाता है वो अलग है, ठीक है, ग्रेडियंट मैं इसको बोलूँगा यूजिंग एब्सोल्यूट पोजीशन आइटम्स एंड एनिमेशन, सही है। ये इसी तरीके से व्हाइट में भी हो सकता है, ये जो कलर है अगर आप व्हाइट कर देते हो, ये व्हाइट कर दो, ये लो, ठीक है, और ये व्हाइट कलर के अंदर ये है, और ओवरले का कलर भी मैं बिल्कुल ये 0 कर देता हूँ, अब आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, और मैं इसको बॉक्स शेड वो कंटेनर को देता हूँ, बॉक्स शेड जो है 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 8 GB, 0.0, 1.0.2, ये थोड़ा ब्लूइश कलर में देना चाह रहा हूँ शेड में, ये शेड लग गया इस पर, बॉर्डर रेडियस दे दो, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दिया, कलर जो है आप चेंज कर दो, कलर कहाँ गया, ओवरले के अंदर जो कलर होगा उसको कर देता हूँ 333, ठीक है, इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो कि ओवरले के अंदर जो H1 है उसका कलर तो ये है, और ओवरले के अंदर जो पैराग्राफ है उसका कलर हल्का कलर है, ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान पहले जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा और हल्का किया जा सकता है, 9 भी ठीक है, किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें भाई एक बॉल अपन ने लिया है, दो बॉल अपन ने लिया है, आप 4, 5, 10 बॉल ले लो, ठीक है, पूरा एकदम से खतरनाक
कलरफुल बन जाए, ठीक है। अब एक्चुअल में जिसको ग्रेडियंट बोला जाता है वो बता देता हूँ। ये जो है ये आपका, देखो एक लाइन दिख रही है क्या आपको, सीधा सीधा लाइन जिसमें मल्टीपल कलर है। अगर थोड़ा सा टेढ़ा करोगे इसको तो है ना, 45 डिग्री माइनस में करोगे तो सीधी सीधी लाइन बन रही है, ये वाली लाइन, ठीक है। अगर ये वाली लाइन सीधी बन रही है इसको हम बोलते हैं लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। तो लीनियर ग्रेडियंट, ये लाइन सीधी बन सकती है क्या, सीधी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 कलर है, ठीक है, ये लीनियर ग्रेडियंट है। ये लीनियर ग्रेडियंट है क्या, ये ऐसा भी हो सकता है, ये एक ब्लैक कलर जरूर दिख रहा है, ये अलग है ना। तो अगर तीन की बात करेंगे तो ये भी लीनियर ग्रेडियंट है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं बोलता हूँ बॉडी, बॉडी तो है ही, बॉडी को बोलता हूँ बॉडी, बॉडी को एक बॉर्डर दे दूँ, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, मैंने बॉर्डर दे दिया, इतनी सी बॉडी है, ठीक है। क्योंकि भाई ये जैसे इसके अंदर कंटेंट नहीं है तो ये चल कर दिया, हाइट मैंने बोल दिया 100 VH, सही है, ये पूरा आपका बॉडी वाला कंटेंट हो गया। अब मैं इसमें जैसे बैकग्राउंड अगर देना चाहूँ, बैकग्राउंड में कैसे देता हूँ, ऐसे देता हूँ रेड कलर का, ये रेड कलर का बैकग्राउंड हो गया, बॉर्डर हटा लेता हूँ, पूरा रेड ही है तो दिख ही जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ रेड की जगह पे लीनियर ग्रेडियंट कलर, मतलब दो कलर का मिक्स करना, तो दो कलर कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं जैसे बोल दूंगा एक तो हो जाएगा येलो, हो जाएगा चलो येलो, और एक हो जाएगा ग्रीन, ग्रीन, ये दो कलर का मिक्स है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है इसका वो है टॉप, यहाँ पर ये राइट है, ये बॉटम है और ये लेफ्ट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे एक बार मैं लिख के बता देता हूँ इसको, ये मैंने पिछली बार बताया था आपको। यहाँ पे जैसे मैं इसको बोल देता हूँ ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन है, ये टॉप है, ठीक है, मतलब इतना इतना व्यू पॉइंट है, ये वाला जो है ये राइट है, इसको राइट बोलेंगे, ये वाला जो है बॉटम है, और ये वाला क्या है, लेफ्ट है, राइट। ये चार डायरेक्शन आपके पास में, तो बाई डिफॉल्ट जो आपने पहला कलर दिया था येलो कलर, वो कहाँ पर है, टॉप पर है, राइट पर है, बॉटम पर है या लेफ्ट पर है, टॉप पर, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है आपकी, टॉप से बॉटम, क्योंकि दूसरा कलर ग्रीन कहाँ पर है, बॉटम पे है। और तो ये देख लो ये लाइन नहीं बन रही है क्या, सीधी सीधी लाइन बन रही है टॉप से बॉटम की लाइन, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन जो है ये है टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जैसे मैं अगर ऐसे लिखूँ, इसका डायरेक्शन है टॉप टू बॉटम ग्रेडियंट का, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको भाई ऐसा नहीं लिखूं, मैं केवल इतना लिखूं तो भी मुझे समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक लाइन होती है तो लाइन कहीं ना कहीं से आएगी, और कहाँ से आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ बॉटम पे आ रही है, कहाँ से आ रही है, टॉप से आ रही है, ठीक है। अगर बोलूँ राइट पे आ रही है तो कहाँ से आएगी, लेफ्ट से आएगी, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता टॉप से राइट पे आ गई, टॉप से राइट का मतलब तो ये है ऐसा, ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट ही आएगी। तो वो चीज, तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि इतना कि टू बॉटम, ठीक है, इतना ही लिखूंगा। तो अब आप देखो यहां पर मैं अगर लिखूं टू बॉटम कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट इसका डायरेक्शन है कि टॉप टू बॉटम रहता ही है। तो टॉप पे कौन सा कलर होगा, जो पहला कलर है वो, ठीक है, और जो लास्ट में जो कलर है वो रहेगा जो आपने डायरेक्शन दी है ये। तो आपने क्या लिखा है, बॉटम, बॉटम पे कौन सा कलर होगा, लास्ट वाला, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, ग्रीन पहले कर दूँ और येलो बाद में कर दूँ, तो लास्ट में कौन सा कलर होगा, येलो होगा, ठीक है। तो जो लास्ट में जो बॉटम पे कलर है वो लास्ट वाला होगा, यहाँ पे वापस से वही कर देते हैं। अब मैं इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे चेंज करने लग गया तो कोई मतलब नहीं है फिर, तो मैं बार बार चेंज करता ही फिरूंगा, और एक से ज़्यादा कलर हो गए तो और भी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे टू बॉटम है ना, अगर मैं इसको उल्टा करना चाहूँ तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा, जैसे डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर है, इस डायरेक्शन को क्या बोलूँ,
टू टॉप है ना, तो बॉटम लिखने की जरूरत नहीं है, टू टॉप लिख दो आप केवल, ठीक है। तो मैं इतना बोलूंगा टू टॉप, और ये देख लो डायरेक्शन चेंज हो गया, सही है क्या? ठीक है चलो, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ग्रीन कलर है मुझे राइट में मिले और येलो कलर मुझे लेफ्ट में मिले, क्या लिखूँ डायरेक्शन? तो टू राइट इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। और अगर मैं इस तरफ चाह रहा हूँ ये उल्टा, इस तरफ इधर चाहिए मुझे ग्रीन कलर और इधर चाहिए येलो कलर, टू येलो, सही है। तो ये डायरेक्शन हो गया। चलो अब ऐसा नहीं चाहिए मुझे, तो ऐसा चाहिए भैया, क्या पता नहीं क्या क्या बना दिया, ऐसा चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा कोना है? ये है टॉप राइट, ठीक है। ये कौन सा कोना है? ये कौन सा कोना है? ठीक है, तो राइट बॉटम बोल दो, बॉटम राइट बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। लेकिन ये कोना है, तो अगर कोना है तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे कि टू लेफ्ट टॉप, अगर मैंने ये बोल दिया तो लेफ्ट साइड का, ये लेफ्ट साइड का टॉप पे कौन सा कलर होगा? लास्ट वाला कलर, सही है क्या? लास्ट वाला कलर की बात कर रहे हैं अपन, जो भी डायरेक्शन है, ठीक है। लास्ट वाला कलर अगर बोल देता हूं मैं बॉटम टॉप, ये बॉटम लेफ्ट, तो ये ग्रीन कलर नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं बोलता हूँ राइट बॉटम, ये ग्रीन कलर इधर आ जाएगा, इधर से देखो इधर जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं ये करना चाहूँ तो क्या लिखना है बताओ, इस कोने में ग्रीन और इस कोने में येलो, टॉप राइट, ठीक है। तो ये बॉटम की जगह पे टॉप कर दिया मैंने, ठीक है। तो राइट टॉप बोलो या टॉप राइट बोलो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है, ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन कई बार मुझे ये भी कम पड़ते हैं, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा भी नहीं चाह रहा, मैं तो कुछ अलग ही चाह रहा हूँ, ठीक है, डिग्री में चाह रहा हूँ, तो डिग्री में दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अब विशेष ध्यान देना, डिग्री थोड़ा सा अलग पड़ेगा, तो मैं इतना इतना आपका यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे अब डिग्री में यहाँ पे देख के बता देता हूँ, तो 0 डिग्री का मतलब, अब आप देखो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री जब मैंने लिखा तो इसका मतलब क्या है, ये देखो। देखो बाई डिफॉल्ट जब अपन करते हैं तो ग्रीन कलर नीचे आता है बाई डिफॉल्ट, तो लेकिन यहाँ पर ये ग्रीन कलर ऊपर आया, क्यों आया है ना। तो अब विशेष ध्यान देना इसके ऊपर, जैसे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं कॉपी कर लिया, और मैं इसको बोलता हूँ ये आपका सेंटर है, ये सेंटर है, यहाँ पे जैसे सेंटर बोलिए, ये सेंटर है, इस सेंटर से 0 डिग्री पे कौन सा कलर होगा? तो 0 डिग्री तो कौन सा कलर होगा? वही लास्ट कलर होगा, ठीक है। कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है, ठीक है। अगर मैं जितना भी कुछ बोल रहा हूँ तो 0 डिग्री का मतलब क्या है, ये ग्रीन कलर अगर यहाँ पे होगा तो 0 का अपोजिट क्या होता है? 0 डिग्री का अपोजिट क्या होता है? 180 होता है। तो 180 पे क्या होगा? येलो होगा। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि ये 45 डिग्री, इसको मैंने रोटेट कर दिया ग्रीन को, सही बात है, 45 डिग्री, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया, 45 डिग्री अगर मैंने रोटेट कर दिया तो ये येलो कलर कहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो जितना भी है ये, अब आप इस तरीके से इसको रोटेट करते रहो और उसके अपोजिट में आपको दूसरा कलर मिलता रहेगा, ठीक है। तो कैसे करूँ इसको, यहाँ पे देखो, अगर बोलता हूँ इसको 45 डिग्री या 10 डिग्री, 20 डिग्री, ये लो 10 डिग्री कर दिया, 10 डिग्री में देखो थोड़ा सा गया इधर, है ना, 20 डिग्री थोड़ा सा और गया, 30 डिग्री, 40, ठीक है, 45, ये एकदम से अब तिकोना, ये जो कौन सा चीज है, ये टॉप राइट वाली चीज है, ठीक है, वही सेम चीज। अगर उसको बोलूं 90, तो ये कौन सी चीज है, कौन सा डायरेक्शन है, राइट है कि टू लेफ्ट है? टू राइट है, ठीक है। अगर इसको बोलूं मैं 180, ये कौन सा डायरेक्शन है, टॉप टू बॉटम वाला, ठीक है, ये लो 270, टू लेफ्ट, ठीक है, 360, ठीक है, समझ में आ गया, टू टॉप वाला। अब मैं इसको बोल दूँ 380, कितना डिग्री रोटेट होगा, 20 डिग्री रोटेट होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा,
तो अब वही वाली चीज़ है, अब आप इसको करते रहो, बस इस तरीके से आपका चलता रहेगा। सही है, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लो, तो 405 डिग्री, ये 45 डिग्री वाली चीज़ है। सही है, तो कर लेना। और ये आपका ग्रेडियंट है। अब ग्रेडियंट में कितने भी कलर हो सकते हैं, तो भाई दो कलर तो अपन ने देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जैसे बोल देता हूँ बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, और डायरेक्शन दे देता हूँ टू राइट। टू राइट मतलब जो लास्ट वाला कलर होगा राइट पे जाएगा। तो मैंने बोला एक तो येलो कलर होगा, एक ग्रीन कलर होगा, और एक डीप पिंक कलर होगा। ठीक है, ये तीन कलर मैंने दे दिए। सही बात है। ठीक है, अब ये तीन कलर जो है, ये देखो आपस में कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है। तो सबसे पहले देखना, जब मैं दो कलर देता हूँ ऐसा, दो कलर ये ग्रीन उड़ा देते हैं, अंत में ग्रीन उड़ा दिया। सही है, अब आप देखो यहाँ पर एक लाइन खींचना, कौन सा डायरेक्शन है, टू राइट है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक जैसे बॉक्स लेता हूँ, ये बॉक्स लिया मैंने, और इस पर राइट साइड में एक लाइन खींच ली ऐसा, लेफ्ट टू राइट एक लाइन खींच ली, लीनियर है तो लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, डीप पिंक। ये इस लाइन को आप भाई डिवाइड कर लो, एक तो 0% में बोलो इसको। ठीक है, यहाँ पे तो क्या है, इस कोने पे तो 0% है, इस कोने पे क्या है, 100% है। ठीक है, तो 100% के ऊपर कौन सा कलर है, डीप पिंक। तो ये है यहाँ पर डीप पिंक, तो इसको मैं कलर कर लेता हूँ, जैसे रेड से एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये है आपका पिंक वाला कलर, जैसे है ना अभी रेड है। अब मैं इसको बोलता हूँ येलो कलर आपको दिखाना है, तो येलो कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये वाला कलर ले लिया मैंने। येलो कलर कहाँ पर है, 0% पे। अब आप ये देखना, जो भी पहला कलर होगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फर्स्ट कलर एट 0% बाई डिफॉल्ट, जो पहला कलर होगा 0% पे होगा। और जो लास्ट कलर है एट 100%। ठीक है, और इन बिटवीन कलर्स जो है वो इक्वली से प्लेस्ड होंगे, है ना, इक्वली डिस्टेंस पे कर सकते। ठीक है, तो एक बार तो बाई डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो 0 और 100 हो गए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ देखो, ये 0 पे होगा पहला कलर, ये पहला है ना, तो पहला कलर कहाँ पर होता है, 0 पे होता है। और ये लास्ट कलर है भाई, सेकंड कलर है, लेकिन ये लास्ट कलर भी तो है ना, ये कहाँ पर होगा, 100 पे होगा। तब आप देखो इसको, यहाँ पर ये येलो है और यहाँ पर ये 100 है, बस आपने दो चीज़ बताई है। अब आप देखो ये 100 है या 0 है, ये 0 भाई 0 से कम हो सकता है क्या, इधर थोड़ी जा सकता है, नहीं जा सकता भाई, 0 से बढ़ सकता है, 0 से और क्या कम होगा, है ना। तो ये तो जाएगा इस तरफ जाएगा, ठीक है, और ये 100% है, और क्या बढ़ सकता है भाई, 100% ही बढ़ सकता है मैक्सिमम, है ना। तो ये रेड वाला जो है ये जाएगा इस तरफ, सही है। और देख लो ये आपस में मिल रहे हैं, ये जो पिंक कलर है ये इधर जा रहा है, ठीक है, और ये जो येलो कलर है वो यहाँ जा रहा है। तो जो येलो कलर है वो केवल यहीं पे मिलेगा आपको, जो प्योर येलो कलर जिसको बोलते हो, और जो प्योर पिंक कलर है डीप पिंक वो यहाँ पे मिलेगा, और बाकी ये सब ग्रेडियंट है, ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया। सही है, ठीक है। तो अब जैसे मैं दो कलर की बात करता हूँ, है ना, तो दो कलर में तो ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मैं तीन बोलूँ, यहाँ पे तीन कलर हो गए, एक ये वाला, इसमें है पहला कलर तो क्या है, येलो, दूसरा और डीप पिंक जो है वो थर्ड वाला कलर है, जो लास्ट कलर है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर, अब दोबारा से वही सेम टर्मिनोलॉजी, पहले कौन सा है, येलो है, दूसरा कौन सा है, ग्रीन है, तो और तीसरा कौन सा है, डीप पिंक। तो पहला 0 पे होगा, लास्ट वाला कहाँ पर होगा, है ना, और ये जो ग्रीन लिख रखा है ये इनके बीच में होगा, ग्रीन इनके बीच में होगा, तो कहाँ पर होगा बता सकते हो, 50 पर होगा। ठीक है, तो ग्रीन जो है ये
ये 50 पर हो गया, सही है। तो देखो ये जो येलो है ये भाई इससे कम नहीं हो सकता, ये इस तरफ जा सकता है, लेकिन कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक दूसरा कलर आ जाता है, ठीक है ना, 50 तक, मतलब 50 तक जा सकता है। ये कलर जो है ग्रीन वाला, ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ये 0 तक हो जा सकता है क्या, 0 तक जा सकता है, येलो 0 तक जा सकता है, तो येलो तुम इधर चलो इस तरीके से, ठीक है। और ये भाई 100 तक भी जा सकता है, ठीक है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन 100 वाला जो है 100 से आगे नहीं जा सकता, ये केवल पीछे आ सकता है, तो ये लो, सही है, ठीक है। और अब आप देख लो यही चीज हो रही है क्या, ग्रीन वो नहीं, ये येलो एंड ग्रीन मिक्स हो रहे, ग्रीन एंड पिंक मिक्स हो रहे, ठीक है, ये ग्रेडियंट बन गया, मल्टीपल ग्रेडियंट इस तरीके से बना सकते हैं, सही है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर, अब आप देख लेना, मतलब जो भी कलर होंगे, अगर मैं ऐसी बात करूँ, एक और कलर मैंने दे दिया ब्लैक, तो येलो कितने परसेंट पे है और ब्लैक कितने परसेंट पे है, ग्रीन कितने पर है, विशेष ध्यान देना, बस ये तो चीज़ है। येलो ये रहा, और जैसे इसको ब्लैक मान लेता हूँ, ये ब्लैक ये रहा, ठीक है। अब इसके बीच में इक्वली डिस्टेंस पे अगर आप दो कलर लगाओगे कितने पे आएंगे, आप क्या बोलो, 25? तो अगर मैं 25 पे लगाऊंगा ग्रीन को, इतना हो गया, ठीक है। तो ये बता दो ये कितने पे, समझ में आ रहा है ना, गलती है, इक्वली डिस्टेंस तो नहीं हुआ, तो ये आएगा 33.33% पे, ठीक है। और ये आपका डीप पिंक जो कलर है वो आएगा 66.66% पे, और इस तरीके से जो है आप, ये इसके अंदर मिक्स होगा, 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 ये आपका ग्रेडिएंट बन रहा है, ठीक है। अगर 5 कलर हो गए तो ये 5 कलर हो गए, तो येलो कितने परसेंट पे है और ग्रीन, डीप पिंक 50 पर, ब्लैक, और ये जो ब्लू कलर है ये अपना, ठीक है, इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये मल्टीपल कलर जो है ये बनाए जा सकते हैं। अब सिंपली इसको थोड़ा सा और देख लेते कि मेरे पास ये दो ही कलर है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है, दो ही कलर है ना। तो अब ये जैसे मैं बोलता हूँ कि ये कितने परसेंट पे है, 0 पे, और ये 100 पे होगा, मैं बोलता हूँ ना ना तुम 0 पे मत हो, तुम 50% पे चले जाओ, ठीक है, इसका मतलब कहाँ चला गया, 50% बोल रहे कि 50% तो शुरू होना है, ठीक है। और दूसरे कलर को हम बोल रहे कुछ बोला ही नहीं है, तो ये कहाँ पे जा रहा है, दूसरा कलर ग्रीन है ना, ग्रीन कलर जाएगा अपना 100% पे, ये लो 100% पे चला गया। अब आप बोलो कि भाई ये येलो जो, येलो पीछे आ सकता है क्या, येलो पीछे आ सकता है, क्योंकि भाई ये तो 50% पे खुद, तो पीछे भी आ सकता है, कोई कलर है नहीं जिसके साथ में मिक्स होगा, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कौन सा कलर होगा, येलो ही रहेगा, ठीक है। ये यहाँ आगे जा सकता है ना, लेकिन आगे जाएगा तो 100% पे दूसरा कलर भी है जो ग्रीन कलर है, वो भी इसके अंदर मिक्स होगा, तो इस तरीके से आपको ऐसा मिलेगा, सही है। तो ये यहाँ पर देख रहा है, ये 50% है, 50% से लेकर 100% के बीच में ग्रेडियंट हो रहा है, बाकी है ये आपका फ्लैट येलो कलर है, राइट। अगर मैं इसको भी बोल दूँ ग्रीन को कि तुम जो है 70% से ही शुरू हो जाओ, 100 पे क्यों जाना है, 70 शुरू हो जाओ, तो 70 से आगे यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा कलर होगा, ग्रीन कलर होगा, क्योंकि आगे कोई दूसरा कलर नहीं है मिक्स होने के लिए, तो ग्रेडियंट कहाँ से कहाँ तक हुआ, 50 से 70 तक, ठीक, केवल 20% पे। और आप उसको कम कम कर लाओ, आपने बोल दिया 60, ठीक है, अब कितना, 55, 5%। और अगर मैं बोल दूँ ये दोनों 50-50 पर है, ये मिलेगा आपको, ग्रेडियंट है ही नहीं अब, ठीक है। तो कुल मिला के ग्रेडियंट वाली जगह ही नहीं बची,
दोनों कलर ये जहाँ से शुरू होता है ना, दूसरा वहीं पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, दूसरा भी वहीं पे शुरू हो रहा है, मतलब बीच में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इस तरीके से ये मिल सकता है आपको, समझ में आ रहा है, ठीक है। और रोटेट कर दोगे इसको आप, जैसे मैं बोलता हूँ 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे कौन सा कलर होगा, ऊपर जो लास्ट वाला कलर है वही होगा, ठीक है। अब इसको रोटेट कर दो 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 80 डिग्री है, इस तरीके से आप रोटेट करते रहो, ठीक है, मतलब जो भी है 220, 180 कर लो, एक ही बात हो, 180, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका ग्रेडियंट है, आप किस तरीके का भी ग्रेडियंट कलर बना सकते हो, लीनियर, इन सीएस, ठीक है। और ये क्यों जरूरी है, देखो जब भी आप कोई चीज बनाते हो, फॉर्म बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो ऐसी चीजें, कोई भी चीज एकदम फ्लैट नहीं होती है, कहीं भी आप फ्लैट कलर देखोगे नहीं, ये सारा कहीं ना कहीं शेड आ रही होगी, कहीं पे थोड़ी चमक ज्यादा आ रही होगी कहीं पे, है ना, तो ये सब ग्रेडियंट में आते हैं, इस चीज को ग्रेडियंट बोला जाता है। तो अगर मैं एक सिंपलेस्ट ग्रेडियंट बनाना चाहूँ तो मैं ऐसा बना सकता हूँ, बैकग्राउंड देख रहा, बैकग्राउंड ये क्या चीज है वैसे, हाँ खाली है ना बॉडी, अगर बैकग्राउंड में बोलता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, और मैं बोल देता हूँ एक तो वाइट है, तो टॉप टू बॉटम होगा ना, टॉप पे ये कलर होगा व्हाइट कलर, और या फिर मैं ऐसे कर, हाँ चलो टॉप पे व्हाइट, या टॉप पे मैं कर देता हूँ 36F, और नीचे जो है व्हाइट कलर है, ये चीज़ दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका एक हो गया, आप इसको हल्का कर सकते हो, तो DDE या DDF, ये भी एक ग्रेडियंट है, हल्का सा ग्रेडियंट है। अब आप इसके अंदर कोई चीज़ लगाओगे, CCF कलर को कोई चीज लगाओगे आप, जैसे मैं कार्ड बनाता हूँ वो भी बहुत सुंदर दिखेगा, डिव डॉट कार्ड, ठीक है, और कार्ड के अंदर कुछ नहीं कर रहे, ये देखो डॉट कार्ड, वेट इसकी 300 पिक्सल है, हाइट इसकी 400 पिक्सल है, बॉक्स शेड जो है 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, RGBA 0, 0, 0, 150, 0.3, इस तरीके से, ठीक है। बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड वाइट, ठीक है, और ये हर चीज खिलेगी हमें इसके अंदर, ठीक है। इसको सेंटर में करना है तो सेंटर कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट ठीक है, बॉर्डर रेडियस वगैरह जो भी देना चाहो दे सकते हो, और जब भी कार्ड पे होवर करो ट्रांसफॉर्म स्केल 102%, और ये वो ट्रांजिशन उसमें देता हूँ, ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड, ट्रांजिशन इसी में दे दिया, केवल कार्ड कार्ड पे अप्लाई हो गया ऐसा, ठीक है, ये लो, ठीक है। तो अभी थोड़ा थोड़ा जो ग्रेडियंट आपको दिख रहा है उसको भी नोटिस करना है कि ग्रेडियंट कहाँ पर है, और उसको सही तरीके से सही डायरेक्शन में पहचानना है, तब आप बना सकते हो, कर लेंगे इसको, ठीक है, सेव कर रहा हूँ।